विपश्यना में कैसे पकें, सभी साधक साधिकाओं के लिए ये बड़ा अहम प्रश्न, बड़ा महत्व का प्रश्न, कैसे पकें, किसी एक दो या चार या दस शिविरों में शामिल हो जाने मात्र से कोई व्यक्ति नहीं पका करता है। धर्म जब जीवन में उतरने लगता है तो ही पकता है, और धर्म को जीवन में उतारने के लिए बहुत आवश्यक है कि मन को वश में करें, और मन को वश में करने के लिए बहुत आवश्यक है कि सुबह शाम कम से कम दो बार तो मन की कसरत करें, मन का व्यायाम करें। आनापान और विपश्यना का अभ्यास करें, वो छूटता चला जाए तो पहली हानि तो ये हो कि मन की मलकियत छूट गई, हम मन के मालिक नहीं रहे, मन के गुलाम हो गए, मन हमारा मालिक हो गया, हमें जैसे नचाए वैसे नाचे। और दूसरी हानि की बात ये हुई कि ये जो बिगड़ेल मन है, जैसे बिगड़ा हुआ घोड़ा हो, वो गाड़ी को न जाने कहाँ ले जाएगा, सवार को न जाने कहाँ ले जाएगा, क्या दुर्गति बना देगा। तो उस बिगड़ेल घोड़े को सुधारना होता है ना, ऐसे ही इस बिगड़ेल मन को सुधारना होगा ना। मन को वश में करने का काम ही भूल गए तो इस बिगड़े हुए मन को सुधारने का काम कैसे करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। रोज नियम से सुबह शाम अभ्यास करते रहेंगे तो मुश्किल आसान हो जाएगी, करेंगे तो। दीपचंद भाई ने कहा कि लोग शिविरों के बाद बराबर अभ्यास नहीं करते, हमारी सामूहिक साधना जहाँ जहाँ होती है वहाँ नहीं आते, तो आप कुछ कीजिए। मैं क्या करूँ भाई, मैं तो अपनी साधना कर सकता हूँ। हर आदमी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, अपना पराक्रम अपना पुरुषार्थ स्वयं करना पड़ता है, कोई दूसरा क्या करेगा, कैसे करेगा। खोट हमारे भीतर है, हम ही को निकालनी पड़ेगी, मैल हमारे भीतर है, हमें ही साफ करना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी अपने अनुभव की बातें कहूं, और जो हजारों की संख्या में लोगों ने साधना सीखी है उनमें से अनेक लोग समय समय पर मिलते रहते हैं, तो उनके अनुभव से जो कुछ जाना है उसकी बात कहूं। विपश्यना शिविर में आने वाला हर व्यक्ति, चाहे जिस समाज का हो, चाहे जिस संप्रदाय का हो, चाहे जिस मान्यता का हो, चाहे जिस देश का हो, चाहे जिस बोली भाषा का हो, हर व्यक्ति 10 दिन के शिविर में से गुजरने के बाद ये बात तो खूब समझ लेता है कि भाई ये कल्याण का मार्ग है, ये मंगल का मार्ग है, अपने मन को निर्मल करने का मार्ग है, अपने मन को राग से द्वेष से मोह से और उनसे उत्पन्न हुए अन्य सभी विकारों से मुक्त कर देने का मार्ग है। ऐसा तो सभी स्वीकार कर लेते हैं,
लेकिन स्वीकार कर लेने के बावजूद भी ये देख कर भी कि इसका थोड़ा सा अभ्यास करने में भी मुझे लाभ हुआ, मेरे विकार भले जरा जरा से निकले पर निकले, मेरा अहंकार भले जरा जरा सा पिघला पर पिघला, मेरा मन भला जरा जरा सा निर्मल हुआ पर हुआ, और उसकी वजह से भीतर शांति महसूस हुई, सुख महसूस हुआ। तो भाई ये शांति सुख मेरा बढ़े, मेरी व्याकुलता दूर हो, मेरे मन के मैल दूर हो, अच्छा रास्ता मिल गया है, मुझे इस पर चलना चाहिए, ऐसा खूब समझते हुए भी फिर सुबह शाम की साधना बंद कर देता है। बुद्धि से खूब समझता है और श्रद्धा से भी खूब समझता है और जो थोड़ा सा अनुभव हुआ उससे भी खूब समझता है, फिर क्यों बंद कर देता है भाई? तो एक कारण तो ये कि मुक्ति का मार्ग है ना, विद्या बड़ी सरल है, इसमें कोई संदेह नहीं, बड़ी सरल है, फिर भी मार्ग पर चलते रहना ये कठिन है। दूसरे और हजार प्रलोभन, दूसरे और हजार आकर्षण ऐसे पैदा होते चले जाएंगे कि मार्ग पर चलने नहीं देंगे। शरीर ऐसे खूब समझता है चलना ही चाहिए, चलने में ही कल्याण है, अरे मेरा जितना राग निकल जाए उतना मेरा कल्याण हो जाए, जितना द्वेष निकल जाए उतना मेरा कल्याण हो जाए, ये भी खूब समझता है कि अपने राग दूर करो, अपने द्वेष दूर करो, ऐसे उपदेश तो सारे जीवन भर सुनते रहे, कभी इस महाराज के मुख से तो कभी उस महाराज के मुख से जीवन भर पढ़ते रहे, कभी इस शास्त्र में तो उस शास्त्र में, पर किसी ने ये नहीं बताया कि कैसे राग दूर करें, किसी ने नहीं बताया कि कैसे दूर करें द्वेष को, दूर करो दूर करो, ये तो मुहार ने सब सब की, ये उपदेश तो सबका, हिंदू हो तो, जैन हो तो, बौद्ध हो तो, सिख हो तो, ईसाई हो तो, सब की है यही उपदेश, मन को मैला मत करो, मन के विकार दूर करो, राग से बचो, द्वेष से बचो, आसक्तियों से बचो, पर भाई उपदेश ही उपदेश ना, उपदेशों से ही ये दुनिया बदल जाती तो ये दुनिया दुखों का पिटारा नहीं रहती, सब दुखों से मुक्त हो जाते, क्योंकि सभी भले आदमी हो जाते, सभी संत हो जाते, नहीं हुए ना। तो ये बात विपश्चित साधक खूब समझने लगता है, जो अभी अंधेरे में है बेचारा, वो तो इन उपदेशों को ही महत्व देगा, पुस्तकों को ही महत्व देगा, बुद्धि विलास को, वाणी विलास को ही महत्व देगा, क्योंकि इसके सिवाय उसके पास है ही नहीं उसके पास। लेकिन जो विपश्चना करने लगा वो खूब समझेगा कि भाई बिना प्रैक्टिस किए हुए ये राग निकलने वाला नहीं है, बिना प्रैक्टिस किए हुए द्वेष निकलने वाला नहीं है, कोई तरीका चाहिए, कोई विधि चाहिए, कोई टेक्निक चाहिए जिससे हम सचमुच अपने विकारों तक पहुंच सके और उनको उखाड़ सके। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक कोई उपदेश ही क्या होगा भाई? खूब समझ में आएगा, खूब समझ में आएगा, फिर भी नहीं करेगा तो क्या कारण है? जान गया कि कोरे उपदेशों की बात नहीं है, इसमें मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, बड़ा पराक्रम करना पड़ता है और ठीक तरीके से करना पड़ता है, और ये ठीक तरीका मुझे मिल गया, फिर नहीं करेगा तो चारों ओर का जो वातावरण है, साधक बेचारा गृहस्थ है ना, अरे गृहस्थों की क्या बात कहें, जिन्होंने घर बार छोड़ दिया उनकी भी बड़ी करुणाजनक हालत है, गृहस्थों से भी ज्यादा गए गुजरे, इस प्रकार जंजाल में उलझे हुए, इस प्रकार जंजाल में उलझे हुए,
तो गृहस्थ का तो कहना ही क्या, कितने जंजाल कितने जंजाल। तो जानता है कि अपने भीतर विकारों को निकालने का जो तरीका मिल गया उसका मुझे इस्तेमाल करना है, लेकिन चारों ओर के जंजाल ऐसे हैं कि फिर उन्हें में उलझ गया, काम करता नहीं। कभी ध्यान के समय आलस ही आ गया, अरे कल कर लेंगे भाई, आज तो बड़ा आलस है, कल करें। एक दिन छूट गया तो क्या हुआ, कल कर लेंगे। दूसरे दिन फिर ध्यान का समय आया कि फिर आलस आया, अरे चलो आज भी नहीं कल जरूर करेंगे, कल तो करेंगे। फिर तीसरे दिन भी कल करेंगे। यों कल कल करते करते सारा जीवन बीत जाएगा, कर नहीं पाओगे, छूटा कि छूटा। उसके बाद वापस शुरू करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि वापस शुरू करोगे तो तब तक ये मन और अधिक बिगड़ चुका होगा। अरे जो बिगड़ा हुआ था, कम बिगड़ा हुआ था, उसको सुधारना चाहिए था, वो तो सुधारा नहीं, अब उसे ज्यादा बिगाड़ लिया, अब सुधारने का काम शुरू करोगे तो बहुत कठिनाई आएगी ना, फिर कर नहीं पाओगे, क्या करें। इतने दिन छूट गया, अब तो बैठता हूं तो विपश्यना क्या, आना पान ही नहीं होता, सांस का भी पता ही नहीं लगता, कब आया कब गया, तो क्या करूं कैसे करूं, मैं नहीं कर सकता, बस छूट गया। तो पहले से ही छूट लेने दें कि भाई ये हालत होने वाली है, कुछ दिन छूटा कि छूटा, फिर कर नहीं पाएंगे, ये हालत बन जाएगी। ऐसा अनेकों का अनुभव है, उससे लाभ ले लें। अपना भी तो अनुभव है ही, जिनका छूटा है उनका अनुभव है ही ना, उससे लाभ ले लें कि भाई अब नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो कुछ हो जाए। दो वक्त भोजन करने वाला व्यक्ति कहाँ कहता है मेरे पास फुर्सत नहीं है इसलिए भोजन नहीं करूंगा आज, कल भी फुर्सत नहीं है इसलिए नहीं करूंगा, बड़ा आलस आ गया इसलिए भोजन नहीं करेंगे आज, कल भी कहते बहुत आलस आया भोजन नहीं करेंगे कल कर लेंगे, नहीं छोड़ता ना। शरीर मैला हो जाए, कपड़े मैले हो जाए, आज नहीं नहाएंगे, आलस आ गया। अच्छा कल भी नहीं, तो कल नहीं करेंगे, तो परसों नहीं करेंगे, अपनी क्या हालत कर लेंगे। अरे भाई इसी तरह मन की कसरत है, रोज करनी ही होगी, नहीं तो मन स्वस्थ नहीं रह सकता, सबल नहीं रह सकता। कर्मकांडों से मन नहीं स्वस्थ होता, बुद्धि विलास और वाणी विलास से मन स्वस्थ नहीं होता, स्वच्छ नहीं होता। इसके लिए साबुन लगानी होती है, विपश्यना साबुन ही तो है। अंतर मन की गहराइयों तक जो गांठें बांध ली है उन गांठों को खोलना होगा, विपश्यना गांठों को खोलने का ही तो काम है। बड़े साहस के साथ, बड़े उत्साह के साथ फिर शुरू कर देंगे, चाहे जितनी कठिनाइयां आए, हमको शुरू करना ही है, जो छूट गया उसे शुरू करना ही है, और चाहे जो कुछ हो जाए, कितना भी हमारा काम का हर्जा हो, कितनी भी अन्य बातों में हमको लगे कि बड़ी हानि हो रही है, होने दे। अरे हानि होगी नहीं भाई, हानि तो छोड़ने से हुई। जिसने अपने मन को अस्वस्थ बना लिया, व्याकुल बना लिया, दुर्बल बना लिया, उससे बढ़कर संसार में और क्या हानि होगी रे। जिसका मन स्वस्थ होने लगा था, सबल होने लगा था, निरोगा होने लगा था, विकारों से मुक्त होने लगा था, उसे फिर विकारों में उलझा लिया, फिर उसे दुर्बल बना लिया, फिर उसे रोगीला बना लिया, तो इससे बढ़कर और क्या हानि होगी भाई। और ये संसारिक बातों में भी हानि होगी, हानि होगी, ऐसा जो घबराते हैं उन्हें समझना चाहिए, धर्म के रास्ते चलने वाले की हानि होती नहीं कभी। धर्म हर तरह से मदद करता है, लोकीय क्षेत्र में भी, लोकोत्तर क्षेत्र में भी मदद ही करता है। वो चले तो, मन को मजबूत करके चले तो धर्म के रास्ते, चारों ओर मंगल ही मंगल होता है, कल्याण ही कल्याण होता है, ऐसी कितनों का अनुभव है। तो मजबूत करके, अपने निश्चय को मजबूत करके फिर शुरू कर देना होता है।
कभी कभी कोई साधक आके कहता है कि काम बहुत ठीक चल रहा था लेकिन क्या करूं, कोई संसारिकता का ऐसा जंजाल आ गया कि हमसे कुछ गलतियां हो गई, ऐसी गलतियां जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, धर्म के विरुद्ध बात हो गई, सदाचार के विरुद्ध बात हो गई और हमारा मन तो कमजोर हो गया, क्या अब हम कैसे करेंगे। अरे तुमसे कोई गलती हो गई, तुमसे कोई भूल हो गई, तुम्हारे शील सदाचार में कोई कमी आ गई तो तुम्हें साधना और अधिक करनी चाहिए ना, कम क्यों कर दी, छोड़ क्यों दिया। आदमी चलते चलते कहीं कीचड़ में फिसल के गिर जाए, सारे कपड़े मैले हो गए, सारा शरीर मैला हो गया, ये तो बहुत मैला हो गया, अब हम कैसे धोएंगे, तो नहीं धोते, ऐसा तो नहीं करते ना, ज्यादा मैला हो गया तो ज्यादा धोएंगे, जल्दी धोएंगे, और इतना मैला हो गया तुरंत धोना है। ऐसे ही किसी बात को लेकर मन बहुत मैला हो गया, उसमें कोई गहरा विकार आ गया तो और जरूरी है, अरे अब तो हमको और इसे सफाई में लग जाना है, इसकी सफाई में लग करके इसका मैल उतार लेना है। ऐसी समझदारी के साथ काम करेंगे तो होगा, नहीं तो कैसे होगा। कभी कभी कोई आकर कहता है कि हम तो गृहस्थ हैं, ये विद्या तो बड़ी अच्छी है, इसमें कहीं संदेह नहीं, न किसी संप्रदाय में बांधे, न किसी कर्म कांड में बांधे, न किसी दार्शनिक जंजाल में फंसाए, बस अपने मन का मैल कहाँ जागा वहीं दूर करो, जहाँ जागा वहीं दूर करो। अरे इससे सरल, इससे सही रास्ता और क्या हो सकता है, लेकिन क्या करें, हम तो गृहस्थ हैं ना, यहाँ सीख के जाते हैं 10 दिन, फिर दुनिया तो वो की वो जिसमें हमको रहना है, प्रतिक्षण राग ही जगाएंगे, द्वेष ही जगाएंगे, तो क्या करें, करने से भी क्या लाभ हुआ, फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे। फिर सोच के देखना चाहिए भाई, क्योंकि ऐसे जंजाल में जी रहे हैं, ऐसे सांसारिक वातावरण में जी रहे हैं जहाँ राग ही जन्मता है, द्वेष ही जन्मता है, तो और जरूरी है ना। कोयले की खान में काम करने वाला आदमी कहे कि इस खान में जाके काम करता हूँ तो एकदम काला भूत जैसा हो जाता हूँ, सारे कपड़े सारा शरीर, अरे मैं क्या नहाऊं भाई, फिर वैसा ही हो जाऊंगा ना। अरे उसे तो और नहाना है, बहुत मैला हो गया ना, और नहाना है। गृहस्थ को तो और साधना करनी है, बहुत मैल चढ़ाता है ना, अपने मन को बहुत मैला करता है ना, सफाई करने का काम नहीं करेगा तो भाई ये मैल चढ़ता चढ़ता ऐसी हालत बना देगा कि फिर चाहेंगे तो भी सफाई नहीं कर पाएंगे। खूब समझेंगे सफाई करनी चाहिए, अरे बड़ा व्याकुल हो गया सफाई के ना, कितनी बेचैनी हो गई भीतर, कितनी अशांति हो गई, इसको दूर करने का एक ही रास्ता है, कैसे मन की सफाई करें, कर नहीं पाएगा, ये साबुन छूट जाएगी हाथ से, मैला आंचल और मैला होता चला जाएगा, कर ही नहीं पाएंगे। तो भाई रोज रोज का मैल तो उतार लें, जन्म जन्म का मैल उतारने के लिए लंबे समय तक आकर साधना करें, लेकिन रोज रोज का मैल तो रोज रोज ही उतार लेना चाहिए ना। सुबह शाम करेंगे तो भी रोज रोज का मैल उतरेगा, नहीं तो नहीं उतरेगा। एक और कठिनाई, शिविर में आया और कुछ ऐसा हुआ कि ध्यान करते 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 सारे शरीर में उसे धारा प्रवाह की अनुभूति होने लगी, बड़ा हल्का हो गया, मन भी बड़ा हल्का हो गया, शरीर भी बड़ा हल्का हो गया, क्योंकि मन पर लगे हुए बहुत से विकार दूर हुए, बहुत सी परतें उतरी, तो हल्कापन आया, बड़ा अच्छा लगा। घर आते ही फिर ऐसे जंजाल में पड़ा कि साधना तो होती है पर वो नहीं आता ना, वो जो धारा प्रवाह आती थी वो नहीं आई ना, बस निराश होने लगा, वो तो नहीं आया ना, वो तो नहीं आया ना, तो छोड़ देता है। तो समझ में ही नहीं आई विपश्यना की बात। विपश्यना इसलिए नहीं करते कि हमको धारा प्रवाह की अनुभूति होने लगे, बड़ा पुलक रोमांच होने लगे, भीतर ही भीतर बड़ा आनंद आने लगे। अरे विपश्यना तो इसलिए करते हैं कि हमारी समता पुष्ट हो,
ये जो बड़ी सुखद संवेदना आई, सारे शरीर में लहरें ही लहरें, तरंगे ही तरंगे, सारा शरीर हल्का हो गया, तो है तो शरीर और मन की ही अनुभूति ना, इसकी परे की अनुभूति थोड़ी है। और शरीर और मन की तो सारी अनुभूतियां अनित्य हैं, नश्वर हैं, भंगुर हैं, नित्य अवस्था तक नहीं पहुंचे ना अभी, ध्रुव अवस्था तक नहीं पहुंचे ना अभी, इंद्रियातीत अवस्था तक नहीं पहुंचे ना, तो ये बीच की धर्मशाला को ही सब कुछ मान लिया। अरे इस बीच की धर्मशाला को सब कुछ मान लेंगे तो मुक्त अवस्था तक पहुंचेंगे कैसे? बार बार शिविरों में समझाते हैं कि शरीर पर जो सुखद संवेदना होती है उससे कहीं बंध मत जाना, उसको भी अनित्य है, अनित्य है, नश्वर है, यूं समझते हुए भी उससे अनासक्त रहना, उसके प्रति आसक्ति नहीं जग जाए। बात नहीं पूरी तरह समझ में आई तो यही करने लगे, उसके प्रति आसक्ति पैदा कर ली। अब वो धारा प्रवाह आती नहीं तो मन मुरझा गया, बड़ा उदास हो गया, बड़ा हताश हो गया, हमारी साधना ठीक नहीं होती, हमारी साधना ठीक नहीं होती। अरे तेरी साधना क्यों ठीक नहीं होती? ये धारा प्रवाह की अनुभूति नहीं होती इसलिए नहीं होती। अरे इसलिए नहीं, तूने जो उसके प्रति आसक्ति पैदा कर ली इसलिए तेरी साधना ठीक नहीं होती। उसको भी अनित्य समझते हुए अनासक्त रहता तो वो आई तो उसे अनासक्त भाव से देख लिया, वो नहीं आई कोई स्थूल संवेदना आई तो उसे अनासक्त भाव से देख लिया, और कभी कोई संवेदना नहीं आई तो भी व्याकुल नहीं हुए, उस अवस्था को भी अनासक्त भाव से देख लिया, कहीं आसक्ति का नामो निशान नहीं, तो विपश्यना में आगे बढ़ेंगे ना। तो जो लोग ऐसे बावलेपन में छोड़ देते हैं उनको समझना चाहिए कि विपश्यना की प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको मापने का मापदंड ये नहीं है कि ऐसी अनुभूति हो रही है कि वैसी अनुभूति हो रही है, ऐसी संवेदना हो रही है कि वैसी संवेदना हो रही है, उसको मापने का केवल एक ही मापदंड है, एक ही मापदंड है, मेरी समता पुष्ट हो रही है कि नहीं, मेरा अनित्य बोध पुष्ट हो रहा है कि नहीं। जो जो अनुभूति हो सभी अनुभूतियों को अनित्य मानते हुए समता ही समता, समता ही समता, तो मैं विपश्यना में आगे बढ़ रहा हूँ, धर्म में आगे बढ़ रहा हूँ, नहीं मेरी प्रगति नहीं हो रही। ऐसी संवेदना हुई तो खुशियों से नाचने लगा, वैसी संवेदना हुई तो उदासी में डूब गया, तो भाई और किसी प्रकार की साधना करता होगा? ये व्यक्ति विपश्यना की साधना नहीं करता, जरा भी नहीं करता, इसको विपश्यना समझ में ही नहीं आई, क्या साधना करेगा? अरे जो समता की साधना है, अनाशक्ति की साधना है, उसे संवेदनाओं की साधना बना दी, संवेदनाओं का खेल खेलने लगे। तो ऐसा किसी ने अपने सिर पर ना समझे का भूत सवार कर लिया हो तो उससे छुटकारा पाए। एक और बात, कभी कभी कुछ साधक आके कह देता है, नहीं कह देता है तो भी जानते हैं, एक उलझन आती है, घर आएंगे तो अपने परिवार का ही कोई आदमी, अपने समाज का कोई आदमी, अपने संप्रदाय का कोई आदमी, जो बेचारा अज्ञानी है, अपने को बड़ा ज्ञानी समझता है, बड़ा विद्वान समझता है, बड़ा धर्मवान समझता है, पर बावला है, कुछ होश नहीं उसे, वो कह देगा अरे क्या करने लगे तुम, क्या करते हो? अरे ये तो बौद्धों का है, अरे ये बौद्ध क्षणिकवादी। बावले आदमी को पता नहीं क्या क्षणिकवादी, क्या क्षणिकवादी, किसको क्षणिकवादी कहते हो? कुछ नहीं पता, सुनता आया ना बचपन से क्षणिकवादी क्षणिकवादी क्षणिकवादी, अरे गए गुजरे, अरे आत्मा को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, बड़े गए गुजरे। तूने तो आत्मा को मान लिया ना, तो तेरा राग निकल गया क्या? आत्मा को मानने वाले का सबका राग निकल गया? तूने तो परमात्मा को मान रखा है ना, तेरा राग निकल गया? तेरा द्वेष निकल गया? नहीं निकला ना। पर ऐसी बावलेपनी बात को ऐसी सिर पर चढ़ाया भूत की तरह, अरे ये तो पराया धर्म है, ये तो पराया धर्म है, चले मत जाना। बेचारा घबरा गया, साधना वादना छोड़। तो बार बार समझाते हैं भाई, ऐसे पागलों से सामना होगा ही, जिनको धर्म का कह कह गया नहीं पता, सारी जिंदगी संप्रदाय में उलझे रहे, उनके लिए संप्रदाय ही धर्म बन गया, जो जानते ही नहीं धर्म क्या होता है, बेचारे स्वयं अंधे हैं, बेचारे स्वयं
उलझे हुए हैं उन पर करुणा करनी चाहिए, उनके प्रति मैत्री भाव, सद्भावना का भाव। बेचारा समझता नहीं इसलिए ऐसी भोली बातें करता है, बड़े प्यार से उसे समझाना चाहिए, भाई मैं क्या कर रहा हूँ, समझ तो सही, कर क्या रहा हूँ, मैं शिव सदाचार पालन करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, आज तक ऐसा प्रयत्न किया नहीं, अब प्रयत्न करता हूँ तो बुरी बात क्या करती भाई। कोई आदमी सदाचार का जीवन जीने का प्रयत्न करे तो पराये धर्म वाला कैसे हो गया, कैसी बातें करते हो। अपने मन को वश में करने का काम कर रहा हूँ, आज तक मेरा मन वश में नहीं हुआ, इतने उपदेश सुने नहीं हुआ, इतने ग्रंथ पढ़े नहीं हुआ, अब जरा जरा सा मन वश में होने लगा, एक विद्या मिल गई कि अपने मन का मालिक हो रहा हूँ, तो पराया धर्म क्या हुआ भाई, इसमें बुरी बात क्या हुई। मैं अपने भीतर सच्चाई को देखते हुए, उसके अनित्य स्वभाव को समझते हुए, अपने राग वाले स्वभाव को राग विहीन वाला स्वभाव बना रहा हूँ, द्वेष वो बेचारा उलझा हुआ व्यक्ति स्वयं सुधरेगा नहीं सुधरेगा हम नहीं जानते, पर तुम्हारे लिए दीवार तो नहीं खड़ी करेगा, तुम्हारे लिए बाधा तो नहीं खड़ी करेगा। फिर भी कोई इतना ही उलझा हुआ हो कि बार बार दीवार खड़ी करता है, बार बार बाधा पैदा करता है, तो कितना ही प्रिय क्यों न हो, कितना ही निकट का क्यों न हो, मुस्कुराकर जहाँ तक साधना का सवाल है उससे दूर रहेंगे। भाई तू नहीं समझता, हम जो कर रहे हैं तू नहीं समझता, हमारे समझाने पर भी नहीं समझता, तो हमें तो ये विद्या कल्याणकारी लगती है, जो विद्या हमारे शरीर के, वाणी के, चित्त के कर्मों को सुधार दे, हम तो उसको अच्छा ही कहेंगे। जो विद्या हमारे मन की मलकियत हमें दे दे, हम तो उसको अच्छा ही कहेंगे। जो विद्या हमारे मन के विकारों को दूर कर दे, हम तो उसको अच्छा ही कहेंगे। जो अच्छी तरह अपने आप को समझा करके जो जो विरोध करने वाले हैं उनके प्रति जरा सा द्वेष नहीं जागे, दौर मनुष्य नहीं जागे, करुणा ही करुणा का भाव, मैत्री ही मैत्री का भाव, पर उनसे अपने आप को अलग रखें, नहीं तो बाधाएं आती चली जाएंगी, खूब बाधाएं आती चली जाएंगी। अपना मन आश्वस्त नहीं हो, अपने मन में कहीं शंका हो उसे दूर कर लेना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके दूर कर लेना चाहिए, अपने मार्गदर्शक से मिलकर के, अन्य किसी पुराने साधक से जो विद्या को ठीक समझ गया है उससे मिलकर के, अपने मन में कोई जंजाल आया तो उसे दूर कर लिया। दूसरे का जंजाल निकाल पाए नहीं निकाल पाए, हमने तो कोशिश की, उस बेचारे को नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, हम क्या करें, लेकिन अपने भीतर ही जंजाल खड़ा कर लेंगे तो नहीं चल पाएंगे। तो फिर एक बार अच्छी तरह समझ लें, शुद्ध धर्म के रास्ते चलने को विपश्यना कहते हैं। शुद्ध धर्म क्या होता है? शुद्ध धर्म बौद्ध धर्म नहीं होता, शुद्ध धर्म जैन धर्म नहीं होता, शुद्ध धर्म हिंदू धर्म नहीं होता, शुद्ध धर्म सिख धर्म के, ईसाई धर्म के, मुस्लिम धर्म नहीं होता। जहाँ धर्म शब्द के साथ ये पूछ लगा दी, हिंदू की पूछ कि जैन की पूछ कि बौद्ध की पूछ, बस समझो धर्म धर्म नहीं रहा, अब ये संप्रदाय हो गया भाई, और जो संप्रदाय हो गया वो बड़ा घातक हो गया। जिस किसी व्यक्ति को धर्म में स्थापित होना है, उसको धर्म और संप्रदाय इन दोनों के भेद खूब अच्छी तरह समझ के रखने चाहिए, नहीं समझेगा तो न जाने धर्म कब संप्रदाय बन जाएगा और सिर पर सवार हो जाएगा, भूत की तरह सवार हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे, उलझ जाएंगे। समझे रहेंगे कि सार क्या है, जो सार है वो धर्म है, जो छिलके हैं वो संप्रदाय है, तो छिलके रहेंगे तो भी रहेंगे, उनका महत्व नहीं होगा, सार नहीं छोड़ेंगे। और इस बात को ठीक समझेंगे नहीं तो जो निस्सार है, जो छिलके हैं, उनके साथ झुकाव हो जाएगा और देखते देखते सार छूट जाएगा।
सार को महत्व नहीं, निस्सार को ही महत्व देने लगेंगे, संप्रदाय को ही महत्व देने लगेंगे। साधक को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए, जो जो संत हुए, जो जो राग मुक्त होकर, द्वेष मुक्त होकर, मोह मुक्त होकर अरहंत हुए, उन्होंने संप्रदाय नहीं बांधा, कभी भूल कर भी नहीं बांधा। अगर कोई व्यक्ति संप्रदाय स्थापित करता है, संप्रदाय बांधता है, तो बस इसी एक बात से समझ लेना चाहिए, ये व्यक्ति अरहंत नहीं है, मुक्त नहीं है, शुद्ध नहीं है, बुद्ध नहीं है। अभी इसको इस बात की कामना है कि मेरे मरने के बाद मेरे नाम पर ऐसा संप्रदाय चले कि पीढ़ियों तक लोग मेरी जय जयकार करते रहें, पीढ़ियों तक लोग मेरे नाम पर मंदिर बनाते रहें कि चर्च बनाते रहें कि क्या बनाते रहें, और मेरे नाम की माला जपते रहें और मुझे सिर झुकाते रहें। अरे अभी तो बहुत बड़ी लालसा मन में है ना, बहुत बड़ी कामना मन में है ना, तो कैसे मुक्त हुआ रे? मुक्त व्यक्ति ऐसा काम करता नहीं। जो मुक्त होगा, अरहंत होगा, बुद्ध होगा, वो लोगों का कल्याण कैसे हो जाए? लोग अपने अपने राज से, अपने द्वेष से, अपने मोह से मुक्त कैसे हो जाएं? बस एक ही बात उसके मन में, क्योंकि चित्त शुद्ध हो गया ना, अब जो काम करेगा लोक कल्याण का काम करेगा, लोक मंगल का कल्याण करेगा, मुझे बदले में क्या मिल रहा है? ये लोग मेरे सामने सिर झुकाते हैं कि नहीं? मेरे मरने के बाद भी मेरे याद करके सिर झुकाएंगे कि नहीं? तो अब समझ लेना चाहिए, अभी मुक्त नहीं हुआ। तो भाई जो मुक्त होगा वो संप्रदाय खड़ा करेगा नहीं, लेकिन समय बीतते जाता है, एक सदी बीती की, दो सदी बीती की, चार सदी बीती की, पांच सदी बीती, तो धर्म वर्म तो भूल गए, आचार्य की गद्दी पर बैठ गए। अब समाज के लोग आए पूछने के लिए, महाराज क्या करें हम? तो क्या करें, बेचारा खुद ही नहीं करता, खुद को ही करना नहीं आता तो क्या करे? तो कोई न कोई जंजाल पीछे लगा देगा, ये कर, ऐसा कर, ये कर्मकांड कर, वो कर्मकांड कर, ये पाठ किया कर, अरे कुछ नहीं तो आंख बंद करके बैठ जाया कर, इतने मिनट तो बैठा रहे, बस हो गया तेरा तो कल्याण, यही कर लिया कर, वो कर लिया कर। क्या करे बेचारा, उसका दोष नहीं है, विद्या ही खो गई ना देश से, तो खुद ही नहीं करता। तो जो करवाता है सब संप्रदाय बांधने के काम करवाता है, धर्म छूट गया। जिसके पास धर्म है वो संप्रदाय में न बंधेगा न किसी को बांधेगा। यही मापदंड से मापा जाता है व्यक्ति कि ये धर्मवान है कि संप्रदायवान है। धर्मवान होगा तो किसी को संप्रदाय में बंधने नहीं देगा, संप्रदाय से मुक्त रखेगा, न स्वयं बंधेगा न औरों को बंधने देगा। और धर्मवान नहीं है, संप्रदायवान है, तो समझ लेना चाहिए भीतर से खोखला है, बेचारे के पास खुद के पास भी नहीं है तो खुद भी बंधा हुआ है, औरों को भी बांधने का ही काम करता है, औरों को भी बांधने का ही काम करता है। खूब अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, संप्रदाय और धर्म का भेद खूब अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। किसी वेशभूषा को लेकर संप्रदाय तैयार हो जाता है, अमुक अमुक वेशभूषा वाले लोग अमुक अमुक संप्रदाय के संत हैं, अमुक अमुक संप्रदाय के नेता हैं, कोई बाहरी बाहरी दिखावे को लेकर संप्रदाय बन जाता है, अमुक अमुक दिखावे वाले लोग अमुक संप्रदाय के धर्मवान व्यक्ति हैं, अमुक अमुक लोग अमुक धर्मवान अमुक संप्रदाय के धर्मवान व्यक्ति हैं, फिर संप्रदाय बन गया। उनमें धर्म हो या ना हो, शील सदाचार हो या ना हो, मन को वश में करने का काम हो या ना हो, मन को निर्मल करने का काम करते हो या ना करते हो, फिर भी धर्मवान हो गए। भेद करके देखना चाहिए, सही बात क्या है, सार की बात क्या है। ऐसा कर्म कांड करने वाला व्यक्ति, वैसा कर्म कांड करने वाला व्यक्ति, अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग कर्म कांड। ये संप्रदाय वाले कहते हैं बस ऐसा ऐसा कर्म कांड कर लो तुम बड़े धर्मवान, आसान काम है कर्म कांड कर लेना। तो मन को वश में करना और मन को वीतराग बनाना, विद्वेष बनाना सबसे कठिन काम, कठिन काम कौन करे? बिना कठिन काम किए ही हम धर्मवान बन जाते हैं,
तो हल्का काम करे ना, सस्ता काम करे ना, सस्ता सौदा सबको अच्छा लगे। अमुक मंदिर में चले गए, अमुक मस्जिद में चले गए, अमुक गिरजाघर में चले गए, अमुक उपाश्रय में चले गए, अमुक चैत्य में चले गए, वहां बैठ के थोड़ी देर ऐसा ऐसा कर्मकांड पूरा कर लिया, बस हम बड़े धर्मवान, हमारे जैसा कौन धर्मवान होगा। एक सर्टिफिकेट मिल गया, लोग भी कहने लगे ये बड़ा धर्मवान है, रोज मंदिर जाता है, देखो रोज सुबह शाम मस्जिद जाता है, रोज गिरजाघर जाता है, इसके जैसा कौन धर्मवान होगा। सर्टिफिकेट मिल गया समाज से भी, अरे बेचारा उलझ गया ना, कभी अपनी ओर देखता ही नहीं, मेरे जीवन में शिव सदाचार आया कि नहीं, मैं अपने मन का मालिक बना कि नहीं, मैंने अपने मन के मैल निकाले कि नहीं। वो कुछ नहीं देखेगा, जरूरत नहीं उसे, इतने में ही धर्मवान बन गया ना। ऐसे ही संप्रदाय स्थापित होने का एक और कारण हो जाता है, और वो बड़ा बावला बनाता है लोगों को, बड़ा धोखा देता है, उससे बड़ा धोखा धर्म के नाम पर चलता नहीं। तो बड़ा सजग रहना चाहिए, कहीं इस धोखे में तो नहीं आ गए। ये जो दार्शनिक मान्यता है, हर संप्रदाय की अपनी अपनी दार्शनिक मान्यता होती है, दार्शनिक मान्यताओं के आधार पर संप्रदाय बनते हैं, तो चिपकते हैं अपनी दार्शनिक मान्यता से, ये मेरी दार्शनिक मान्यता बस यही ठीक, बाकी सब गलत, हमारी जो मान्यता है वो सम्यक दर्शन, बाकी सब मिथ्या दर्शन। तो हर संप्रदाय वाला कहेगा हमारी मान्यता सम्यक दर्शन, हमारी मान्यता सम्यक दर्शन। तो भाई किसके सम्यक दर्शन माने, किसको मिथ्या दर्शन माने, धोखा ही धोखा हुआ ना, क्योंकि मानने ही मानने का काम किया, जानने का तो काम किया नहीं। दर्शन शब्द का अर्थ ये होता है साक्षात्कार करना, साक्षात्कार करें तो बीच में पर्दा नहीं होता, नहीं तो साक्षात्कार कहाँ होगा, बीच में जरा भी पर्दा नहीं हो तो साक्षात्कार होगा। सत्य को यथाभूत जान लिया, प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा जान लिया, तो साक्षात्कार हुआ, तो दर्शन हुआ, तो दर्शन सम्यक हुआ, अन्यथा सम्यक कैसे होगा। तो हम तो अपनी मान्यता का रंग चढ़ाए हुए हैं ना, हमारी ऐसी मान्यता, तुम्हारी वैसी मान्यता, तो अपनी अपनी मान्यता के रंग वाले चश्मे लगा करके हम सत्य का दर्शन करना चाहें और उसे सम्यक दर्शन कहें तो धोखा हो गया ना। अरे हमारे रंग सामने आ रहे हैं ना, हमारी आंखें और सामने की वस्तु के बीच में रंग आ गया ना, ये हमारी सांप्रदायिक मान्यता का रंग आ गया ना, सत्य का दर्शन कहाँ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे भाई। मान्यता सही हो, कितनी भी सही क्यों न हो, उसको एक ओर रखें, हमको जो प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही है बस उसी के सहारे सहारे चलेंगे। प्रत्यक्ष अनुभूति आरंभ में बड़ी स्थूल स्थूल सत्य की होगी, ये स्वीकार करके चलेंगे, और फिर उससे सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म आगे बढ़ते चले जाएंगे। यूं आगे बढ़ते बढ़ते सूक्ष्मतम अनुभूति, काय के सूक्ष्मतम अनुभूति, तो पहले तो इस शरीर के बारे में क्या सच्चाई है इसकी सूक्ष्मतम अनुभूति, फिर इस चित्त के बारे में क्या सच्चाई है इसकी सूक्ष्मतम अनुभूति, तब उसके बाद इस शरीर और चित्त के क्षेत्र का अतिक्रमण करके उसके आगे निकल जाएंगे तो उसके परे के सत्य की अनुभूति, तो उसको कहते हैं परम सत्य की अनुभूति। तो सम्यक दर्शन ही सम्यक दर्शन हुआ, असली अनुभूति पर जो सत्य उतर रहा है उसी को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ता है। जितना क्षेत्र शरीर का है, मन का है, अपनी अनुभूतियों से जानता है ये अनित्य है, ये अनित्य है, ये अनित्य है, तो उसके प्रति राग नहीं, उसके प्रति द्वेष नहीं, उसके प्रति मैं का भाव नहीं, उसके प्रति मेरे का भाव नहीं, ऐसा जब उसको देखते देखते आगे बढ़ता है तो मन की आदत बदलने लगती है। ये जो अच्छा मान करके राग पैदा करने वाली आदत, बुरा मान करके द्वेष पैदा करने वाली आदत, ये छूटने लगती है, छूटने लगती है, तो विकार दूर होने लगते हैं, विकार दूर होने लगते हैं। उस अवस्था पर पहुंचेगा जो कि नित्य ध्रुव शाश्वत का दर्शन कराने वाली है, उस अवस्था पर पहुंचते पहुंचते तो मन के बहुत से विकार निकल चुके होंगे, मन के विकार निकलेंगे तो परम सत्य का साक्षात्कार होगा। मन के विकार निकले नहीं और हम चाहें कि परम सत्य का साक्षात्कार हो जाए, अरे भाई होने वाला नहीं है, तो इस धोखे में नहीं पड़ना। उलझते ही चले जाएंगे,
चले जाएंगे, जांच करके देख लें, स्वयं जांच करके देखें, अपने आप को जांच के देखें, लोगों को जांच के देखें। एक व्यक्ति मानता है कि मेरे भीतर कोई एक अलग थलग आत्मा है, एक व्यक्ति मानता है कि मेरे भीतर कोई अलग थलग आत्मा नहीं है। दोनों आदमियों को जांच कर देखें, आत्मा वाला ये तो वितराग हो गया होगा, विद्वेष हो गया होगा, इससे सारे राग निकल गए होंगे, तो ध्यान से देखिए तो पता लगेगा नहीं निकले ना भाई। और ये आत्मा को नहीं मानने वाला ये तो वितराग हो गया होगा, ये तो विद्वेष हो गया होगा, तो नहीं हुआ ना भाई। तो ये मानना और ये नहीं मानना हमारे क्या काम आया, निकम्मी बात हुई ना, इससे बढ़कर दुनिया में कोई निकम्मी बात होती नहीं। और धर्म के नाम पर चलता है, धर्म के नाम पर जैसे कर्म कांड चलता है, धर्म के नाम पर जैसे बाहर का दिखावा चलता है, धर्म के नाम पर जैसे व्रत उपवास चलते हैं, वैसे ही धर्म के नाम पर दार्शनिक मान्यता चल पड़ेगी। मिला मिलाया कुछ नहीं। एक व्यक्ति जो ये हमेशा मानता आया कि मेरे भीतर कोई आत्मा नहीं है, कल हम उसे ये मनवा दें कि नहीं तेरे भीतर एक आत्मा है भाई, आत्मा नहीं होगी तो मरने के बाद किसका जन्म होता है बता, आत्मा नहीं होगी तो बता किसकी मुक्ति होती है, तो उसका सिर जरा सहलेगा, बात तो ठीक है, जरूर आत्मा होती है, होगी, अच्छा मनवा दिया उसे, क्या तुम्हें मिल गया और क्या उस आदमी को मिल गया, जरा सोच के देखे क्या मिल गया। के राग निकल जाते हैं और द्वेष निकल जाते हैं, तब तो ही हमारे भीतर एक आत्मा, इसी प्रकार कोई आदमी अपने भीतर आत्मा मानने कहने लगा नहीं भीतर कोई आत्मा उत्मा नहीं होती, क्या फर्क पड़ गया भाई, ऐसा मान लेने मात्र से उसके राग निकल गए, उसके द्वेष निकल गए, अरे नहीं निकले ना तो निकम्मी बात हुई ना, इससे बड़ी निकम्मी बात और क्या होगी। इस सारे संसार को बनाने वाला कोई परमात्मा है, एक कहता नहीं है कोई परमात्मा नहीं है, तो जो सारे संसार को बनाने वाला एक परमात्मा है ऐसा जो लोग मानते हैं वो तो वितराग हो गए होंगे, विद्वेष हो गए होंगे, नहीं हुए ना तो धोखे की बात हुई ना। और जो ये कहता है कि सारे संसार को बनाने वाला कोई परमात्मा नहीं, वो तो वितराग हो गया होगा, विद्वेष हो गया होगा, नहीं हुआ ना, तो हम दुनिया भर के तरफ दुनिया भर का बुद्धि विलास करके किसी परमात्मा को नहीं मानने वाले को परमात्मा मानने वाला बना दे, और बनाते ही उसके सारे राग द्वेष निकल गए, विकार निकल गया, तब तो ये प्रयत्न करना ही चाहिए, सारे संसार में बड़ा बल लगा करके प्रयत्न करना चाहिए, कोई एक परमात्मा को मानो भाई, संसार को बनाने वाले या परमात्मा को मानो, मानते ही मुक्त हो जाओगे, नहीं होता ना। अथवा ये कहें कि जो जो मानने वाले हैं उनका कैसे विश्वास छुड़वा दे, कोई नहीं हरे बनाने वाला, कोई नहीं है, इस तरह से समझाए उस तरह से समझाए वो मान गया, अच्छा कोई नहीं है भाई, तो क्या हो गया, वो वितराग हुआ, ये द्वेष हुआ, हुआ क्या, जंजाली जंजाल हुआ ना। कोई कहता है ये आत्मा और परमात्मा दो भिन्न भिन्न है, हम तो द्वेषवाद को मानने वाले, कोई कहता अरे नहीं नहीं आत्मा और परमात्मा एक ही है, लड़े जा रहे हैं सारी जिंदगी लड़ते चले गए। अरे भारत वर्ष में एक अंधेरे का युग आया, ये 2000 वर्ष का युग अंधेरे का युग था, कि जहां लोगों को यही खपत सवार हो गई कि कैसे अपनी दार्शनिक मान्यता को सिद्ध करें,
कहां कहां से लोग निकले अपने घर छोड़ करके और कहां कहां सारे भारत का चक्कर लगाते गए लोगों को ये सिद्ध करने के लिए कि आत्मा और परमात्मा दो नहीं एक ही है, या ये सिद्ध करने के लिए कि नहीं आत्मा अलग परमात्मा अलग। कभी नहीं सोचा, थोड़ी देर के लिए भी नहीं सोचा, अरे मैंने लोगों को ये सिद्ध करके बता भी दिया बुद्धि से कि आत्मा परमात्मा एक ही है तो मुझे क्या मिला रे और इन लोगों को क्या मिला रे, क्या फर्क पड़ गया इनके जीवन में, इसके बाद तो ये बड़े वितराग हो गए क्या। और जो ये कहें कि नहीं दोनों अलग अलग हैं, सारा जीवन लड़ते रहे अलग अलग हैं अलग अलग हैं, इसको सिद्ध करने में क्या मिल गया रे, सारी कुओं में एक जैसी भांग पड़ गई, भारत के जितने कुएं सब में भांग पड़ गई, जिसको देखो दार्शनिक मान्यता दार्शनिक मान्यता मान्यता ही मान्यता, जाने को ही नहीं, अनुभव किसी ने नहीं किया। तो भाई धर्म से अलग हो गए ना, बहुत अलग हो गए, धर्म छूट गया, धर्म को इन दार्शनिक मान्यताओं से लेन देन नहीं होता, उतना ही लेन देन नहीं होता जितने कर्मकांडों से लेन देन नहीं होता, उतना ही लेन देन नहीं होता जैसे वेशभूषा से लेन देन नहीं होता, उतना ही लेन देन नहीं होता जैसे सांप्रदायिक नामों से लेन देन नहीं होता, वैसे कोई लेन देन नहीं होता। बात केवल इतनी ही समझनी है कि भाई जो अनित्य का क्षेत्र है उसको कहीं नित्य मानकर उसके प्रति आसक्ति तो नहीं पैदा कर रहा, जो मैं मेरा नहीं है इस क्षेत्र को मैं मेरा मानकर कहीं आसक्ति तो नहीं पैदा कर रहा, जो दुख ही दुख से भरा हुआ है लगता है सुख होने का भ्रम उसको कहीं सुख मान करके उलझ तो नहीं रहा, यूं अपनी अनुभूति से इन दोनों क्षेत्रों को अलग करके देखता रहेगा तो निकल जाएगा इस क्षेत्र के बाहर और उस क्षेत्र की अनुभूति कर लेगा जो नित्य है जो शाश्वत है जो ध्रुव है जो एक रस है। वो तो इंद्रियातीत अवस्था है, इंद्रियों के परे की अवस्था है, जिस क्षण वो अनुभूति होगी जितनी देर के लिए हो, 10 सेकंड के लिए हो कि 10 मिनट के लिए हो कि 10 घंटे के लिए हो, जब जब उस अनुभूति में से गुजर रहा है एक बात समझ लेनी चाहिए, उस समय इंद्रियां काम नहीं करेगी, उतनी देर के लिए इंद्रियां बिल्कुल निरुद्ध हो जाएंगी, आंखें नहीं काम कर सकती, कान नहीं काम कर सकते, जीभ नहीं काम कर सकती, नाक नहीं काम कर सकते, त्वचा नहीं काम कर सकती, मन नहीं काम कर सकता, उनके परे की अवस्था है वो इंद्रियातीत अवस्था है। हम रहे तो इंद्रियों के क्षेत्र में, अनुभूति हो रही है इंद्रियों के क्षेत्र की और उसको नित्य मानी जाए उसको ध्रुव मानी जाए, तब जो सचमुच नित्य है सचमुच ध्रुव है वहां तक कैसे पहुंचेंगे भाई। ये जो अनित्य है हमको बांधे हुई है, इसके प्रति हमने चिपकाव पैदा कर लिया, यही कारण है जिसकी वजह से जो सही नित्य है वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो छुटकारा इसी लेना है, कभी कभी कोई भूला भटका व्यक्ति साधक के मन में भी एक भटकन पैदा कर देता है, एक संदेह पैदा कर देता है, अरे तू कैसी साधना करता है, इस शरीर को देखता है, अरे क्या पड़ा शरीर में, ये तो मट्टी है हम भी जानते हैं ना, इसका क्या ध्यान करना, अरे मन को देखता है ये तो जड़ है इसका क्या ध्यान करना, अरे जो नित्य है शाश्वत है ध्रुव है उसका ध्यान कर सकते, कोई बात भी हुई बोले जाएगा बेचारा कि बात तो ठीक कही इसने, अरे ये तो अनित्य इसका क्या ध्यान करें, अरे ये तो नश्वर इसका क्या ध्यान करें। लेकिन होश जागेगा तो बात समझ में आएगी, ध्यान तो इसी का करना है भाई जिसने हमें बांध रखा है। एक आदमी को किसी ने बांध दिया रस्सियों से बांध दिया तो और वो मुक्ति का ध्यान करता है बैठ करके, रस्सी से बंधा हुआ है और ध्यान करता है मुक्ति का, कैसे मुक्त होगा, उसको उन रस्सियों का ध्यान करना पड़ेगा कैसी बांधी हुई है, इनको कैसे खोलूं, इनकी गांठें खुल जाए तो मुक्त तो है ही, जैसी रस्सियों की गांठें खुली कि रस्सी टूटी क्या मुक्त हो गए। अरे जो हमारे बंधन है उनका ध्यान करके उनसे मुक्त होना है, उनका ध्यान इसलिए नहीं कर रहे कि उनके प्रति चिपक जाए, उनका ध्यान इसलिए कर रहे हैं कि उनके प्रति जो चिपकाव हो गया उससे कैसे निकले। इस शरीर के प्रति कितना चिपकाव पैदा कर लिया, इस मन के प्रति कितना चिपकाव पैदा कर लिया, इन दोनों की वजह से होने वाली संवेदनाओं के प्रति कितना चिपकाव पैदा कर लिया, कितना मैं मेरे का भाव मैं मेरे का भाव, तो राग ही राग पैदा होगा, द्वेष ही द्वेष पैदा होगा। तो इनकी सच्चाइयों को देखते देखते स्वभाव पलटना है,
राग का जो स्वभाव बन गया उसको राग के बाहर कैसे निकालें, द्वेष का जो स्वभाव बन गया उसको द्वेष के बाहर कैसे निकालें, बस ये बात समझ में आने लगेगी तो ये जो बाहर के लोग मन के भीतर उलझन पैदा कर देते हैं या अपने आप ऐसी कोई उलझन पैदा हो जाती है तो उसके बाहर निकलना आसान हो जाएगा। अरे निकम्मी उलझन है भाई, हम शरीर का ध्यान इसलिए नहीं कर रहे कि शरीर के प्रति आसक्ति पैदा हो, हम मन का ध्यान इसलिए नहीं कर रहे कि मन के प्रति आसक्ति पैदा हो, अरे ये बांधने वाले हैं इसलिए इनसे छुटकारा कैसे हो, हमको कौन बांधता है, जो नित्य है शाश्वत है ध्रुव है वो हमको क्यों बांधने आएगा, अरे जो अनित्य है वो बांध रहा है, जो नश्वर है वो बांध रहा है, जो भंगुर है वो बांध रहा है, उसके प्रति कितना चिपकाव पैदा कर लिया, इस मारे हम बंधे हुए हैं, इस मारे हमारा मुसीबत है सारी, कैसे उससे बंधन टूटे, कैसे उससे आसक्ति टूटे, तो ध्यान इसलिए कर रहे हैं भाई। और इसके परे की जो अवस्था है उसका साक्षात्कार हो जाएगा, जिस दिन भी जिसको साक्षात्कार हो जाएगा वो उसका वर्णन नहीं कर सकेगा। इंद्रियों के परे की अवस्था है, इंद्रियातीत अवस्था है, जहाँ इंद्रियां काम नहीं करती वहां उसकी अनुभूति हुई है, तो उस अवस्था में से निकल कर आएगा, निकल कर तो आएगा ही, 10 मिनट में आएगा, 20 मिनट में आएगा, घंटे में आएगा, जितनी देर उस अवस्था की अनुभूति है उतनी देर इंद्रियातीत अनुभूति है, फिर जीवन जी रहा है, फिर इंद्रिय जगत में आया तो बोल नहीं पाएगा, क्या अनुभूति हुई भाई तुम्हें उस नित्य अवस्था की, क्या अनुभूति हुई, तो बोल नहीं पाएगा, गूंगा हो जाएगा, गूंगे का गुण है क्या बोले, मुस्कुराएगा केवल, बहुत अच्छा तो था, क्या था अच्छा कैसे बताए। अरे जो अनुभूति इंद्रियों के परे हुई उसकी इंद्रियों से कैसे वर्णन करके समझाए लोगों को, और इंद्रियों से लोग समझे भी कैसे उसको, उसको तो वही समझेगा जो सचमुच अनुभव कर लेगा, और अनुभव कर लेगा तो बदल जाएगा, आदमी बदल जाएगा, संत बन जाएगा, हिंदू अपने को हिंदू ही कहता रहेगा संत बन जाएगा, मुसलमान अपने को मुसलमान ही कहता रहेगा संत बन जाएगा, जैन अपने को जैन, बौद्ध अपने को बौद्ध, ईसाई अपने को ईसाई, सिख अपने को सिख कहता रहेगा, लेकिन संत बन जाएगा, क्योंकि चित्त निर्मल हो जाएगा। और धर्म तो यही सिखाता है चित्त कैसे निर्मल हो, कैसे विकारों से छुटकारा पाए, काम यही करना है भाई, और बाकी जंजालों में पढ़कर क्या करेंगे, क्योंकि ये जो राग जगाने वाली बात है, द्वेष जगाने वाली बात है, ये हमारा सार्वजनिक रोग है, हिंदू का भी यही रोग है, मुसलमान का भी यही रोग है, जैन का, बौद्ध का, सिख का, ईसाई का, सबको यही रोग है कि भीतर ही भीतर राग पैदा करता है, द्वेष पैदा करता है, राग पैदा करता है, द्वेष पैदा करता है, और सबके रोग का एक ही इलाज है कि अंतर मन की गहराई से कैसे राग पैदा करना बंद कर दें, द्वेष पैदा करना बंद कर दें, तो इलाज भी सार्वजनिक इलाज है, इसमें हिंदू पने की क्या बात आई भाई, इसमें मुस्लिम पने की क्या बात आई, इसमें जैन पने की, बौद्ध पने की क्या बात आई, जब हम राग जगाते हैं कि द्वेष जगाते हैं तो उस पर लेबल नहीं लगाते ना कि ये हिंदू राग है कि ये मुस्लिम राग है कि ये जैन राग है कि बौद्ध राग है, ऐसे ही जो वीत राग हुआ, राग से छुटकारा हुआ, तो क्या लेबल लगाएंगे, ये जैनियों का वीत राग है, ये बौद्धों का वीत राग है, ये हिंदुओं का वीत राग है, अरे बावले हो गए ना, इस संप्रदाय में ऐसे उलझ गए, ऐसे उलझ गए कि धर्म छूटता चला गया, धर्म तो गौण हो गया, संप्रदाय प्रमुख हो गया, बस हम कट्टर हिंदू हैं तो अपने को मानते हैं बड़े धर्मवान हैं, हम कट्टर मुसलमान हैं तो धर्मवान हैं, हम बड़े चुस्त जैन हैं बड़े धर्मवान हैं, हम कट्टर बौद्ध हैं बड़े, अरे धर्म का तेरे भीतर नामो निशान नहीं भाई, तेरे जीवन में सदाचार जरा सा आया नहीं भाई, तेरे मन की जरा से राग द्वेष निकले नहीं भाई, तू कैसे धर्मवान हो गया, केवल सांप्रदायिक मान्यता को मान लेने से तू धर्मवान हो गया, यूं समझता रहेगा, विपश्यना के मार्ग पर जिसे चलना है वो ऊपर ऊपर से भले सांप्रदायिक काम सारे करेगा, क्योंकि समाज में रहना है भाई, तो समाज जिस तरह की पूजा पाठ करता है, समाज जिस तरह के व्रत उपवास करता है, समाज जिस तरह के पर्व त्योहार मनाता है, चलो हम भी साथ में मनाते हैं, और समझता रहेगा भीतर से ये सब खोखले हैं, सब निकम्मे है, काम तो मुझे यही करना है कि भीतर से राग कैसे निकले, द्वेष कैसे निकले, तो धर्म का काम कर रहा हूँ, और बाकी सब तो दिखावे का दुनिया का काम कर रहा हूँ, और होते होते दिखावा छूटता चला जाएगा, बस केवल धर्म रह जाएगा, और वो दिखावा प्रमुख होगा तो धर्म छूटता चला जाएगा, एक में पकोगे तो दूसरा छूटेगा ही, धर्म में जिस दिन पक गए उस दिन संप्रदाय के छिलके छूट ही गए, संप्रदाय जिस दिन
दिन पक गए उस दिन धर्म का सार छूट ही गया। ये दोनों बातों को खूब अच्छी तरह समझ के रखोगे तो जो ये बार बार प्रश्न आता है अनेक लोगों का ऐसा कि हमारा छूट गई, हमारी साधना छूट गई, हमारी साधना छूट गई, तो एक कारण ये भी होता है कि चारों ओर समाज में संप्रदाय ही संप्रदाय की बात सुनता है, संप्रदाय ही संप्रदाय के काम करता है, खुद भी उसी को महत्व देने लगता है, तो ये राग दूर करने का काम, ये द्वेष दूर करने का काम, ये गौण होते चले जाता है और अपने आप ये विद्या छूटती चली जाती है। होश रहेगा तो वो काम करते हुए भी अरे लोगों को खुश करने के लिए, परिवार वालों को खुश करने के लिए, समाज वालों को खुश करने के लिए, हमारे संप्रदाय के नेता हैं बाबा तुम भी खुश रहो, तुम्हें भी खुश करने के लिए भले करते हैं, लेकिन भीतर तो एक ही काम, एक साधे सब सधे, राग निकालने का ही काम, द्वेष निकालने का ही काम, समता में पुष्ट होने का काम, हिंदू है तो भी, जैन है तो भी, बौद्ध है तो भी, ईसाई है तो भी, एक ही बात, एक ही साधे सब सधे, सब सज जाएगा। और ये साधना छोड़ दोगे तो हजार और बातें साध लो, निकम्मा ही निकम्मा, कुछ काम नहीं आया, मनुष्य जैसा अनमोल जीवन निकम्मी बातों में खो दिया। बड़ा कठिन मनुष्य का जीवन मिलना, ऐसा अनमोल जीवन, अरे जिसमें अंतर्मुखी होकर विकारों से छुटकारा पा सकते हैं, ऐसा जीवन निकम्मी बातों में खो दिया तो बहुत बड़ी हानि हुई ना। अच्छा साधक होगा तो इस प्रकार सारी बात रहेगा तो छोड़ेगा नहीं, और सब कुछ छूट जाए, ये मेरा राग निकलने वाला काम न छूट जाए, द्वेष निकालने वाला काम न छूट जाए, समता को पुष्ट करने वाला काम न छूट जाए, और भले कुछ छूट जाए तो छूट जाए, यूं इसके प्रति बहुत बड़ी आस्था हो जाएगी, विश्वास हो जाएगा, धर्म खूब समझ में आने लगेगा, तो बड़ा मंगल हो जाएगा। भाई कहने वाला तो अपने अनुभव के बल पर अपनी बात कहता है कि ऐसा होता है तो ही आगे बढ़ते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ पाते। फिर भी काम तो साधकों को ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा कैसे कर देगा। अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति। अरे भाई हर व्यक्ति अपना मालिक है, हर व्यक्ति अपनी गति बनाता है, दुर्गति बनाए कि सदगति बनाए, कि सारी गतियों के परे मुक्त अवस्था प्राप्त कर ले, उसी के हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं। कोई दूसरा हमारी गति बनाने वाला नहीं, न सदगति बनाने वाला, न दुर्गति बनाने वाला, न सारी गतियों के परे हमको ले जाने वाला, स्वयं हमको अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से हमको मुक्त होना पड़ेगा। अहंकार जगाकर नहीं, साधक जिस दिन ये अहंकार जगा लेगा कि मैं मुक्त होऊंगा, होकर छोड़ूंगा, नहीं मुक्त होगा, वो अवस्था तो अहंकार के विलीन होने की अवस्था, उसको प्राप्त करने के लिए अहंकार जगाएगा वो अवस्था प्राप्त नहीं होगी। बड़े विनीत भाव से अपनी जिम्मेदारी समझेगा, भाई ये मन को मैला मैंने बनाया, ये मन को गांठ गंठीला मैंने बनाया, कोई दूसरी शक्ति ने नहीं किया। किस दूसरी शक्ति को पड़ी कि संसार के सारे लोगों के मन मैला कर दो, संसार के सारे लोगों के मन को गांठ गंठीला कर दो। अपनी अज्ञान अवस्था में, अबोध अवस्था में, अविद्या की अवस्था में हम ही ने अपने मन को मैला किया, हम ही ने अपने मन में गांठे बांधी, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि अपना मैल दूर करें, हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी गांठें खोले। यूं अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बड़े विनीत भाव से काम में लग जाएगा तो अहंकार नहीं जगाएगा और गांठें खोलते 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 निर्ग्रंथ अवस्था पर पहुंच ही जाएगा। मैल उतारते 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 निर्मल अवस्था तक पहुंच ही जाएगा, बंधन तोड़ते 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 मुक्त अवस्था तक पहुंच ही जाएगा। हर व्यक्ति को अपना काम करना होगा, हर व्यक्ति को अपना पुरुषार्थ स्वयं करना होगा। बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन मिला, बड़े भाग्य से मनुष्य के जीवन में सांप्रदायिकता के जंजाल से छुटकारा पाकर धर्म का रास्ता मिला, बड़े मुश्किल से मनुष्य जीवन में धर्म का रास्ता पाकर के उसके प्रति श्रद्धा जागी। तो भाई अब तो काम करना है, खूब काम करना है। मान सत्तम सुई श्रद्धा संयमीय वीरियम। मनुष्य का जीवन मिलना बड़ी दुर्लभ बात और बड़े कल्याण की बात, शुद्ध धर्म से समागम होना और उसकी बात सुनना समझना बड़े कल्याण की बात, उसके प्रति श्रद्धा जागनी बड़ी कल्याण की बात। लेकिन तीनों की तीनों निकम्मे हो जाए, अगर संयम और वीर्य नहीं, मेहनत नहीं, पुरुषार्थ नहीं, तो भाई पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, पराक्रम करें, किसी दूसरे पर एहसान करने के लिए नहीं, अपने भले के लिए करें, अपने मंगल के लिए करें, अपने कल्याण के लिए करें, और मनुष्य जीवन को
सार्थक बनाए, कहीं पशुओं की तरह हमारा जीवन नहीं बीत जाए, कहीं पक्षियों की तरह हमारा जीवन नहीं बीत जाए, कहीं सरीसृपों की तरह हमारा जीवन नहीं बीत जाए, कहीं प्रेत प्राणियों की तरह हमारा जीवन नहीं बीत जाए, मनुष्यों की तरह हमारा जीवन बीते। कुदरत ने जो मनुष्य को इतनी बड़ी शक्ति दी है, मुक्त होने की शक्ति दी है, उस शक्ति का उपयोग करके सचमुच मुक्त हो जाए। जितनी जितनी गांठें खोल लेंगे उतने उतने मुक्त होते चले जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे तो पूर्णतया मुक्त हो ही जाएंगे। चलें धर्म के रास्ते, चलें, आलस को दूर रखें, प्रमाद को दूर रखें, उलझनों को दूर रखें, शंकाओं को दूर रखें, संदेहों को दूर रखें और कदम कदम बढ़ते ही जाएं, बढ़ते ही जाएं और अपना मंगल साध लें, अपना कल्याण साध लें, अपनी स्वस्थ मुक्ति साध लें। वीतराग होने के मार्ग पर जो चला, वीत द्वेष होने के मार्ग पर जो चला, वीत मोह होने के मार्ग पर जो चला, उसका मंगल ही हुआ, उसका कल्याण ही हुआ, उसकी स्वस्थ मुक्ति ही हुई। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो।